आज अगर इन बूढ़ी हड्डियों में दम होता तो मैं उसके टुकड़े शहर में फेंकवा देता। लानत है जो सत्या का खून होकर भी तू उसका बाल विभाग नहीं कर सका। ए, सुन ले अब, अगर तू मेरी ही औलाद है तो उस मांस का नामो निशान मिटाकर ही मुझे अपनी शक्ल दिखाने आना। चल जा यहां से। तुम्हारे पिता की किसी ने ऐसी बेइज्जती नहीं की, उसे छोड़ना नहीं। कौन हो तुम? तुम्ही से बात कर रही हूँ, बताओ कौन हो तुम? इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, जाओ। मार्केट में जो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बताओ मुझे, वो लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे? सच कहूँ तो बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ तुमसे, पर अफसोस इस बात का है कि कभी तुमसे इजहार ही नहीं कर पाई। मगर तुम्हारा ये रूप देख के लगता है अच्छा हुआ इजहार नहीं किया। पता नहीं तुम्हारी वजह से कितने बेकसूर मरेंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सबको जाकर अभी बता दूंगी। रुको प्रिया, तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता। रेशमा, तुम कुछ नहीं जानती? जानती हूँ। नहीं भाभी। नहीं भैया, आज इसे सच बताना पड़ेगा। यही है मां। घबरा मत, मैं भी तुम्हारी तरह खुशहाल और बेफिक्र इंसान था। ए, आज चाहे कुछ भी हो जाए उसे खत्म करना ही होगा। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो जो हीरो की स्टाइल में बैठा है ना, वही कर सकता है। भाई चश्मा पहन के तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। सुनो भाई, यही मास है। मास? कौन है तू? मास? ए, क्यों, लड़ने का इरादा है क्या? किसे बोला, किसे बोला मैं लड़ने के लिए आया हूँ? मैं तो नाचने के लिए आया हूँ। तो लगा ठुमका। मैं देखती हूँ। चल गया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तेरे जन्मदिन पर तुझसे मिलने के लिए आया और तू ये सब बोल रही है? कोई जरूरत नहीं है मुझसे मिलने की। जिस दिन सत्या का साथ छोड़ दोगे उस दिन मिलने आना। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सत्या को मिटाने के लिए मास का रहना जरूरी है। और आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, आखिर मैंने अपने लिए सही हम सफर चुना है। नहीं, यह ख्याल अपने जहन से मिटा दो। कई राज है जो मैं बताना चाहता हूं। आज तुमसे भाड़ा वसूलना है इसलिए यहाँ सीढ़ी पर बैठा हूँ। अरे किसी मंदिर की सीढ़ी पर बैठते तो दो पैसे कमा लेते। ए!
माँ सुन लेंगी। अरे रुको रुको रुको, क्यों भाई कॉमेडी कर रहे हो? बताओ किराया कब दोगे? नहीं दो। नहीं दोगे? आम तौर पर लोग बहाना बनाकर कल दूंगा परसों दूंगा कह देते हैं, तुम तो मना कर रहे हो। अच्छा बाबा मैं नहीं दूंगा। देखो अगर मैंने अपने बेटे को बता दिया तो तुम्हारा खून बेचकर भाड़ा वसूलेगा। बस सुबह सुबह कॉमेडी मत करो। आदि सुनो बेटा, ये मास्क जानता हूँ कैसे इंसान का चेहरा पढ़कर बायोपिक बनाता है ये आदि। भाड़ा दे। नहीं देता। जा ठीक है, पहली भूल तेरी धूल की तरह उड़ा देता हूँ। दूसरी बार पूछ रहा हूँ, भाड़ा दे। बुलाना नहीं दूंगा। खून की भट्टी गर्म हो रही है, भाड़ा दे। अब आदि की आखिरी पुकार। ऊपर वाला कमरा तो रहेगा लेकिन उसमें तू नहीं रहेगा। आज तक किसी मर्द की हिम्मत नहीं हुई कि आदि को छू ले। यानी आज तक औरतों से ही पिटता है? पिताजी मेरा चॉपर कहाँ है? आज तो इसका कीमा बनाऊंगा। आदि मेरी बात सुनो, मत जाओ बेटा। इस तूफान का नाम क्या है? आदि। बापू आपकी कसम, चुन चुन के मारूंगा। शॉप में क्यों खड़े हो? आदि चला गया क्या? सुनो तुम जल्दी से अंदर जाओ और फोन लेकर आओ। पहले लॉयर को फोन करूंगा, फिर आईजी को करूंगा, फिर जज को करूंगा, तब वो बाहर आएगा। पर किस लिए? अरे किस लिए क्या, वो मर्डर करने जा रहा है। छी, जाओ जी। ए, तुम मुझे जाओ कहती हो? अरे जाओ ना। आओ भाई हवा खा के आते हैं। तेरे को तो वसूली भाई बनना अरे चाहिए। अरे भाई कभी कभी कैरेक्टर में आना पड़ता है। अच्छा तुम हमेशा भाड़ा देते थे, इस बार क्या बाउंस हो गया? क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। हाँ समझ गया समझ गया, माँ से शिकायत करनी पड़ेगी। बोल दे, बोल दे। डार्लिंग कल सुरमा लगा के आना। भैया कोई आदि नाम का लड़का आपसे मिलने के लिए आया है। आदि? हाँ। वो तो इधर आता नहीं कभी। आदि आज तू यहाँ कैसे? भाई एक बड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा? वो पप्पू पतंग बहुत उड़ रहा था, मैंने उसका मांजा ही काट दिया। उसने टपली मारी, मैंने भी टपली मारी। किसी गली के गुंडे को लाने के लिए गया, मैं बोला मेरे पास भी गुंडा है। लेकिन तेरे पास गुंडे कहाँ है रे? अरे तुम्हारे भरोसे लफड़े का स्टॉक ले लिया। अबे मैं तो मैकेनिक हूँ। भैया वो देखो पूरा जिला परिषद आ रहा है रिक्शे में, चलो अपने हीरो की। अरे भाग ले बेटा। अरे भाई तुम भाग लिया बहुत मारेंगे मेरे को, मेरा चप्पल भी साथ ही दे रहा है। रुको, अरे ये रनिंग कॉम्पिटिशन है क्या? स्कूल में अकेला भाग के भी हार जाता था। ए भाई रुक जा। अरे चल भाई, किसका नट टाइट करना, आजा आजा। अरे वो तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि तू गुंडा है फलाना है, लेकिन तू तो पतली गली पकड़ कर यहाँ आके बैठ गया। गुंडा नहीं बे, मांस। एक लाफा पड़ेगा तो 9 चक्कर काट के 10वें में जमीन चाटेगा। हो गया, अपने धंधे की जगह थी, लेकिन यहाँ टेंशन नहीं, यहाँ आप उन खेल सकते हैं। मास के हाथ और पैर ही उसके हथियार हैं। मास की टांग घूमेगी तो भूचाल आ जाएगा। सुनो ये तो कॉमेडी भी करता है। अरे कॉमेडी टाइम नहीं, ये एक्शन टाइम है भाई। जरा पोज तो मार के दिखाओ। सिक्का नहीं है, मेरी माँ की निशानी है। हाथ हटा। आजा जाड़िया। आ,
नहीं नहीं। क्या रे खजवे, बहुत खुजा रहा था ना तू? अब तेरी पटेली की खुजली मिटी की नहीं? क्या रे, कहाँ का पटेल है तू? इसको मारेगा तू? ए इधर चल मार। अबे मार ना तेरी तो, चल मार। अच्छा कर, मार खा ले। अरे देख क्या रहा, मार ना, उसको चाहिए। हाँ क्या बात है, अक्के आधी की तरफ कभी आंख उठा के देगा तो दीदे निकाल लूंगा। चल बेटा। आदि तू मेरा भाई। मेरा बापू उठ गया ना तो हम दोनों दुनिया से उठ जाएंगे। धीरे धीरे भाई, अगली बार एक बोतल और मंगाएंगे। चीर डालूंगा, काट डालूंगा, फाट डालूंगा। अरे मेरा फाड़ा निकाल, दिमाग की हड्डी के लिए तलवार किधर है मेरी तलवार? जाओ तुम, जाओ यहाँ से, वो सचमुच मार देगा, उसका भी खून मेरी तरह गर्म है। तो फिर शब्बा खैर। हाँ ये सही था। अरे ये क्या कर रहा है, पार्वती तलवार छुपा दो। बाहुबली की तलवार किधर है? तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, मांस को मरने से बचा लिया। आधी रात को शोर कैसा? अगर ये उठ गया ना तो मांस हमेशा के लिए सो जाएगा। अरे जाके सो जाओ ना। जाता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है माँ, सब वो टुच्चे का काम है। मैंने उसको बहुत समझा, थोड़ी सी धोखे से पिलाया थी उसने, मैंने सॉरी बोल दिया ना। अब तो बात कर। सुनो माँ, बहुत अकेला हूँ मैं, अब अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। काश मेरी भी एक बहन होती तो कितना अच्छा होता। प्यार से दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। खैर कोई नहीं, बहुत भूख लगी है माँ, और खाना देने के लिए यहाँ कोई नहीं। अब और बोलूँगा तो तू भी रो देगी, इसलिए सोने जा रहा हूँ। सॉरी माँ, गुड नाइट। कब से कहा है कॉफी के लिए, सर दुख रहा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी शांत हो जाइए, अंजलि पूजा कर रही है। मैंने कब से कॉफी मांगी है। ये लीजिए, आ गई। हाँ इधर आ, देख शांति शांति से काम करना, अंजलि पूजा कर रही है। ध्यान रख।